Everyone, welcome back to my YouTube channel. So I created this Sangeet makeup look. Hope you like it. So don't forget to like, share and subscribe my channel. So यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया है और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जॉय का प्योर एलो मॉइस्चराइजर. देन मैंने लिया है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मूस प्राइमर प्लस फाउंडेशन. और ये फाउंडेशन इतने अच्छे से ब्लेंड होता है और इतना वेटलेस है, आप डेली यूज़ में भी इसे ट्राई कर सकते हो. मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप एक बार ट्राई करके देखना, फिर आप मुझे कमेंट में आके थैंक यू बोलोगे, बिकॉज़ ये समर्स के लिए एकदम बेस्ट फाउंडेशन है. आप ज़्यादा कुछ नहीं लगाना चाहते हो, जस्ट सिंपली आप अपने फिंगर से ही ब्लेंड करोगे, बहुत अच्छे से काम करता है. उसके बाद मैंने अपने बेस को पाउडर से सेट कर लिया था. नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपने आई मेकअप पर फोकस किया है. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिंक शेड लिया है और अपनी क्रीज लाइन पर पूरा अप्लाई किया है पिंक शेड को फ्लफी ब्रश के साथ में. उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क पर्पल शेड लिया था और एक डी शेप में मैंने उसे ब्लेंड करते हुए ड्रॉ किया है. और फिर यहाँ पे आउट ऑफ कॉर्नर पे भी मैंने अप्लाई किया है डार्कर पर्पल शेड और उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे. कुछ भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए. और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्रश, ये कंसीलर ब्रश है. हाफ कट क्रीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उससे पाउडर से मैंने सेट किया था. उसके बाद आउट ऑफ कॉर्नर पे मैंने डार्क पर्पल शेड लिया और पहले मैंने कलर को पिक किया और डायरेक्ट अप्लाई किया अपने और आउट ऑफ कॉर्नर पे. फिर उसके बाद फ्लफी ब्रश लेके उसको मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया था. और उसके बाद लिया है आई लाइनर और विंग आई लाइनर हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले. उसके बाद मस्कारा और ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, इसे अच्छे से लैशेज पर लगाएंगे. और यहाँ पे मैंने फॉल्स लैशेस भी अप्लाई कर लिया था और मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका था. और फिर मैंने ब्लश अप्लाई किया, लोअर लैश लाइन को कंप्लीट किया. बाद मेरा फेवरेट पार्ट आता है, वो है हाइलाइटर. यहाँ पे मैंने ग्लैम 21 का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया है. आप लोग मुझे एक सजेशन दे सकते हो, आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो देखना है, किस टॉपिक पर देखना है, आप वो मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करूँगी. सो यहाँ पे मैंने अपने आईब्रोज़ को भी फिल किया है. पहले पूरी से सेट करेंगे आईब्रोज़ को, देन मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे गैप है सिर्फ मैंने वहीं पे फिल किया है अपने आईब्रोज़ को, ज़्यादा ओवरलाइन नहीं किया है. इस पूरी से दोबारा से सेट करेंगे. और फिर यहाँ पे मेरा फेवरेट लिपस्टिक ये स्विस ब्यूटी का. सो यहाँ पर हम मस्कारा लगाएंगे लोअर लैश लाइन पर. एंड यहाँ पर वीडियो देख के थोड़ा सा भी मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर देना. और फिर यहाँ पे जो मेरा मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.